हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू नेहाज किचन। आज मैं मिल्क मसाला पाउडर बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मिल्क मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बादाम लिया है, लगभग 200 ग्राम बादाम लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने काजू लिया है, आधा कप काजू लिया है। ग्राम्स में देखिए तो लगभग 100 ग्राम काजू हैं। और ये मैंने यहाँ पर खसखस लिया है, 1/4 कप खसखस लिया है मैंने। ग्राम में लगभग 50 ग्राम के अराउंड खसखस है। और ये मैंने मगज़ लिया है, 1/2 कप मगज़ है, जिसे हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। ये 15 ग्राम हमने मगज़ लिया हुआ है। और 7 से 8 मैंने यहाँ पर कड़ी इलायची ली हुई है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले पैन के गर्म होते ही ये बादाम को मीडियम हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। ये देखिए हमारे बादाम भून चुके हैं। अब इसे एक मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह काजू को भी 3 से 4 मिनट तक मैं भूनूंगी। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये खसखस को हमें 5 से 6 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। खसखस भी भून चुका है। अब मगज को हमें 5 से 6 मिनट तक भूनना है। इसको हाई फ्लेम पर हमें भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। खड़ी इलायची को 1 से 2 मिनट तक भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। ये भी हमने प्लेट में निकाल लिया। अभी यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट को भून लिया है अच्छे से। और इसे जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पीसिंग के लिए, ये हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं अच्छे से, इनका हम एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। ये हमारा मसाला मिल्क पाउडर रेडी है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी। पैन में मैं यहाँ पर 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टोन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी। अभी एक दूध को हम गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको बॉल में ले लेती हूँ। 2 टेबल स्पून पाउडर लिया मैंने बॉल में। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे पेस्ट जैसा बनाऊँगी मैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं। ऐसे ही पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब इसे एक साइड में रखती हूँ। तब तक ये देखिए हमारा दूध भी बॉयल हो गया है। गैस का फ्लेम स्लो कर देती हूँ। अब दूसरी तरफ गैस ऑन करके ये पैन को, दूध के पैन को मैं दूसरी तरफ रखूँगी। इस तरफ कढ़ाई रखती हूँ। कढ़ाई हमारी जैसे गर्म होती है, यहाँ मैंने आप 2 टेबल स्पून घी लिया हुआ है, इसे कढ़ाई में डालूँगी। हमारा घी गर्म जैसे ही होता है वैसे ही जो मैंने मसाला का पेस्ट तैयार किया था इसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। देखिए ये हमारा मसाला भून चुका है, घी हमारा छोड़ दिया है मसाला। ये जो हमने दूध बॉईल करके रखा है इस दूध को मैं इस मसाले में मिक्स कर लूँगी। दूध डाल दिया मैंने, इसे चला देंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी लिया है, इसे ऐड कर दूंगी, चला दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 7 से 8 कलियाँ केसर की ली थी, थोड़े से गर्म दूध में मैंने भिगो रखा था।
इसे भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसे चला देंगे और 5 से 6 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकने दूंगी। ये दूध हमारा पक चुका है लगभग। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ अब, और एक सर्विंग ग्लास में मैं दूध को निकाल लूंगी। जी मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए थे, काजू और बादाम को हल्का मैंने पतला काट लिया था। इसको ऊपर से दूध के ऊपर डाल के डेकोरेट कर देती हूँ। ये हमारा मसाला मिल्क और मसाला मिल्क पाउडर रेडी है। आपका जब भी कुछ नया ट्राई करने का मन करे आप इसे बनाइए और पीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी बी हेल्दी।